हे गाइस, वेलकम टू बैक अवर न्यू वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखना। आप पूरा वीडियो को नहीं देखते हो फिर आपके कुछ समझ में नहीं आता गाइस, फिर आप कमेंट करते हो, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना। तो गाइस, आज की जो वीडियो है ना, इसमें काफी सारे क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स में आ रहे थे। तो कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन आ रहे थे उसके आंसर मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना गाइस। तो इसमें गाइस पहले ही बात तो एक आई थी कि इसमें बैटरी बहुत जल्दी खत्म होती है। गाइस, इस बैटरी के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तभी आप लेना इसको, जब लेने वाले हो आप या आप ले चुके हो तो तब भी सुन लो कि कैसे आपकी बैटरी खत्म हो जा रही है एकदम से, ठीक है। तो गाइस देखो, एक तो आपको पता है कि इसमें 5000 एमएच की बैटरी दी गई है और ये फास्ट चार्जिंग है, फास्ट जल्दी चार्ज हो जाता है, ये तो आपको अच्छे से पता है गाइस, ठीक है। लेकिन गाइस इसमें एक है, अगर आप इसकी कितनी ये टाइम तक चल सकती है अगर आप इसे लगातार यूज करते हैं। तो गाइस, अगर आप इसे लगातार यूज करते हैं तो 10 घंटे करीब आपका ये चलेगा। मैं सही बता रहा हूं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आपके जो डाउट थे ये सब क्लियर करने जरूरी है गाइस, ठीक है। अगर आप इसको फुल चार्ज कर लेते हैं 100% और उसके बाद आप लगातार चलाते हैं, लगातार आप मूवी देख रहे हैं, उसके बाद आप मतलब एक मिनट के लिए रेस्ट नहीं कर रहे, हाँ, तो ये 8 से 10 घंटे आपका चलेगा, उसके बाद इसकी बैटरी खत्म हो जाएगी गाइस पूरी। तो गाइस, अगर आप इसे ज्यादा यूज नहीं करते तो आपकी बैटरी 2 दिन आराम से चल जाएगी गाइस, ठीक है। बैटरी बिल्कुल भी खर्च नहीं होगी गाइस। जो बैटरी खर्च होने का सबसे बड़ा कारण है ना, सबसे बड़ा कारण है इसका 5G। जब हम 5G ऑन करते हैं, क्योंकि हम जब मोबाइल में लगते हैं, अब आजकल का टाइम तो वो रह नहीं गया कि जी हम मोबाइल को यूज कर रहे हैं तो हम इसमें नेट नहीं चलाते। जब भी हम मोबाइल को यूज करते हैं नेट ऑन तो रहता ही है, क्योंकि नेट में ही हम कुछ ना कुछ करते हैं, ऑफलाइन तो हम कुछ करते ही नहीं है। तो क्या होता है, जो इसका 5G नेट है वो बहुत ही जल्दी इस बैटरी को चूस लेता है गाइस, ठीक है। और बल्कि इसके जो पीछे से फाइल होती है, काफी सारी फाइल से इसके पीछे से होती है जो वर्क कर रही होती है गाइस, ठीक है। तो गाइस, वो फाइलें कैसे बंद होंगी इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना दी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाके देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपने काफी सारे चैनल सब्सक्राइब किए होंगे, या आपने जो टेलीग्राम पे आप काफी करते हैं, टेलीग्राम से बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन आता है, मैसेज आते हैं, तो जो नोटिफिकेशन बार बार आता है आपको, मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं, तो उससे भी क्या होता है, इसकी बैटरी थोड़ी 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 खर्च होती चली जाती है। बड़ा तरीका यह है इसकी बैटरी को बचाने का कि जो आपको नोटिफिकेशन ज्यादा आती है ना, आप उस नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, और जो इसके बैकग्राउंड में जो ऐपें वर्क कर रही होती हैं आप उसको भी बंद कर सकते हैं गाइस, ठीक है, उसको भी बंद कर सकते हैं। और गाइस, इसका जो नेट है, आप 5G बार बार नेट यूज करेंगे तो डेफिनेटली इसकी खत्म होगी। और हाँ, इसकी ब्राइटनेस आप कम करके रखिए, ठीक है, आप इसकी ब्राइटनेस को फुल मत कीजिए, इसकी ब्राइटनेस को कम करिए, ठीक है, कि बैटरी मुश्किल से मुश्किल 8-10 घंटे चल जाएगी गाइस, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कहूंगा भाई 2 दिन चलती रहेगी, अगर आप लगातार यूज करें, लगातार आप यूज करेंगे तो भाई कहाँ चलेगी, 5000 की एमएच की तो कुल बैटरी है। और गाइस, कुछ लोगों का और कमेंट आ रहा था कि हमारा जो टच है वो ज्यादा काम नहीं कर रहा, कभी कभी टच काम नहीं करता, कि आपके उसमें भी होता है प्रॉब्लम। तो गाइस देखिए, मेरा टच आराम से काम कर रहा है, आप देख सकते हैं, ये देखिए मेरे टच में कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, ठीक है। ये तो गाइज, जो आपका टच प्रॉब्लम कर रहा है गाइज, हो सकता है कि आपके मोबाइल में या आपके जो टेम्पर्ड ग्लास है आपने ज्यादा मोटा लगा दिया हो, इससे भी फर्क पड़ता है। क्योंकि मैंने ना इसका जो कंपनी से टेम्पर्ड ग्लास आया था वो मैंने चेंज किया, और इस टेम्पर्ड ग्लास वाली मैंने एक वीडियो बनाई है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उस वीडियो को देख लेना, उससे पता लग जाएगा। ये टेम्पर्ड ग्लास बहुत स्मूथ है, जब से मैंने लगाया है बहुत स्मूथ चल रहा है मेरा मोबाइल, ठीक है। मुझे बहुत प्रॉब्लम, और जो इसके संग कंपनी से आया था वो गलती से मेरा बबल्स रह गया था, तो मैंने वो निकलवा दिया था, और वो निकाल के अच्छा ही हुआ। और जो टेम्पर्ड ग्लास है गाइस, काफी अच्छा है, स्मूथ चलता है इससे मेरा, ठीक है। और गाइस, और कमेंट थे कि इसके ऊपर गेमिंग टेस्ट था, गाइस मैंने गेमिंग टेस्ट कर दिया है, वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं वीडियोस को, ठीक है। मैंने फ्री फायर इसमें चला के दिखाया गाइस, इससे पहले वाली जो वीडियो बनाई है वो मैंने उसी पे बनाई है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप चैनल पर भी चेक कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो गाइस, मैं फाइनली आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप इस मोबाइल को खरीद चुके हैं या जो खरीदने वाले हैं, ठीक है, जो खरीदने वाले हैं, वो मेरे चैनल पर सारी वीडियोस, इसके हर एक टॉपिक पे इसकी वीडियोस पढ़िए, छोटी छोटी वीडियो है, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट की, इतनी लॉन्ग वीडियो में बनाता नहीं हूं, क्योंकि आपका टाइम भी बहुत ज्यादा जरूर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, जैसे और लोग कर देते हैं भाई 2 मिनट की बात को बताने के लिए 15 मिनट खींच देते हैं, 10 मिनट खींच देते हैं, तो मेरा वैसा सीन नहीं है। मैं इसमें जितनी बात होती है उतना ही मैं इसमें मिनट खींचता हूं, तो आप वो सारी वीडियोस को देख लीजिए, कुछ वीडियोस है मेरी, आप उस वीडियोस को देख लेंगे ना सारी, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको लेना है नहीं लेना। उसमें मैंने सारे फीचर्स इसके बारे में बताए हैं, एक एक चीज इसके बारे में बताई है, ठीक है। अभी जो इसमें नई चीज आएगी गाइस, वो भी मैं इसमें डिस्कस करूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, कौन कौन भाई इसको लेने वाले हैं, और भाई जो ले चुके हैं वो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना। जब भी आप कमेंट करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर कमेंट को पढ़ता हूँ, हर कमेंट पे मैं रिएक्शन देता हूँ गाइस। और गाइस, मुझे जाते हुए एक बात और बताना है कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ वो किस पे बनाऊँ, मैं इन्फिनिक्स नोट 30 पे ही बनाऊँ या दूसरे अदर्स मोबाइल है कोई जिस पर आप चाहते हैं कि इस पे भी वीडियो बनाइए, तो मुझे बता दीजिए कमेंट में कि इस मोबाइल पे वीडियो बनाइए, इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा गाइस। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू गाइस, अपना ख्याल रखें।